तेईस दिन लगातार आपने देखा होगा कड़गड़ाटी ठंड में हम यहाँ इसी सड़क पे इसी जगह पर हम सोते थे लगातार हमने 24 घंटे यहीं पे रहते थे हमने तेईस दिन अनिश्चितकालीन धरना किया था और राज्य सरकार से हमारी जब वार्ता हुई थी माननीय चिकित्सा मंत्री से और ए सी सिंह जी से जब उन्होंने आश्वस्त किया था अब उनका आश्वासन को जो सात समय सात दिन का समय था वो पूरा हो गया अब हमें ग्यारह दिन हो गए हैं आचार संहिता हमारे सर पर है हमें कहीं ना कहीं डर नजर आ रहा है कि पिछली बार भी आचार संहिता कारण हमारे कार्य को रोक दिया गया था अब वापस उसी आचार संहिता का डर है कि इन्होंने ढाई महीने में कुछ नहीं किया तो अगले बीस दिनों में क्या करेंगे इस आशंका को लेकर इस भ्रम को लेकर सभी साथी वापस से सर इस धरने पर आ गए हैं सर हमारा कैडर जो फार्मासिस्ट कैडर है हमारी यूनिटी बिल्कुल पुख्ता है एकजुट है हम हम सभी एकजुट हैं हमारा एक ही उद्देश्य है भाई हमें आचार संहिता से पहले प्रोविजनल सूची लेके और नियुक्ति लेनी आचार संहिता के अंदर एक दिन पहले इनके अंदर सिस्टम ये होता है सर मैं बताऊं जैसे प्रोविजनल सूची आचार संहिता से पहले आ जाती है तो ये सात दिन की परियोजना लेके और एक जगह डायरेक्ट्रेट में हमें ज्वाइन करवा दे इस मामले में हमने चिकित्सा मंत्री जी से भी मुलाकात करी थी उन्होंने हमें आश्वासित किया था कि आपकी भर्ती बिल्कुल मैं सेफ जोन में रख रहा हूँ मगर अधिकारी नेगेटिव है उनको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं क्योंकि 11 वर्ष से मेरा जो फार्मासिस्ट कैडर है वो शोषित है हमने कोरोना जैसी महामारी में भी लोगों की सेवा करी है मगर हमारे कैडर के साथ हर बार चलावा होता है कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ चलावा किया तो हमने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया उसको सत्ता के जादू से उसको बाहर कर दिया और बीजेपी को सरकार को हम इसलिए लाए हैं राम राज्य की स्थापना भी हुई है और हम ये चाहते हैं कि हमारे कैडर में भी राम राज्य की स्थापना हो और हमारी जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो और हमारा जीवन सुखमय ही हो सके क्योंकि 11 साल से अगर कोई कैडर नियुक्ति के लिए परेशान हो रहा है हमारे कई अभ्यार्थी ऐसे हैं जो हो रहे जो गए कई साथी ऐसे हैं उनकी शादी नहीं हो रही है उनका दुख भी देखो आप हर चीज़ देखो भाई हमारे लोग बाग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं भाई फार्मा में वो फार्मा में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है कोई केस को कोर्ट केस नहीं है कोई होल्ड कोई प्रिवेदना नहीं है सीधी आपको प्रोविजनल सूची देनी है सात दिन परिवेदना मांगनी है और नियुक्ति देनी है अगर आपके पास सक्षम अधिकारी नहीं है तो भाई कोई भी सीनियर आई अधिकारी या आर अधिकारी लगा दो तो आपकी अगर आई अधिकारी लगाते हो तो बारह घंटे की जाँच है और आर अधिकारी लगाते हो तो चौबीस घंटे की जांच है मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि तीन हज़ार सड़सठ पोस्ट हैं उनमें से अट्ठाईस सौ साठ के लगभग कैंडिडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एक गवर्नमेंट बॉडी है तो उनका एक घंटे का है और अदर स्टेट का है तो आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन है आप मेल करोगे यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी तुरंत आपको एच के तौर पर रिटर्न ऑफ मेल देगी तो कुल मिला के दो दिन का काम है अगर आपके पास सक्षम योग्य अधिकारी नहीं तो आप कहीं से भी मैनेज करो लगाओ और हमारी नियुक्ति से जो वेकेंसी पूरी नहीं, नहीं हुई है, और इसके लिए बैठना पड़ेगा क्योंकि लास्ट तेईस दिन का जो धरना चला था उसके अंदर भी हमें यही आश्वासन देकर उठाया गया था कि आपके साथ हमें अच्छा करेंगे और हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है और जो पीवी लिस्ट अभी तक भी जारी नहीं हुई है लिखित में हमें यह देंगे कि हमारी प्रोविजनल लिस्ट आ जाए हमारी ज्वाइनिंग आ जाए ये कब अपना जो इन इन्होंने जो वादा किया था कि हम सात दिन के अंदर आपको एक गुड न्यूज़ दे देंगे मैं ये मैं सबसे पहले तो पूछना चाहती हूँ जो सरकार अपने आप को राम राज्य स्वीकार करती है उन जब राम राज्य था उनका एक वचन था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए इनके वचन इतने झूठे आश्वासन जो ये लोग देते हैं ये इन इन इनके पास इतनी हिम्मत कहाँ से है कि वो अपने आप को राम राज्य का उन्होंने जो इतना बड़ा अहदा अपने आप को स्वीकार किया है इन्होंने क्यों किया है जब ये सिर्फ झूठी सरकार है झूठा आश्वासन देती है इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये सच्चे रूप से करती हो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने राम के नाम पर इतना झूठा अंधविश्वास क्यों फैला रखा है आज हम 11 दिन बाद फिर से यहाँ पे हमने धरना दिया है फिर से हमने स्टार्ट कर दिया जो सिर्फ हमने स्थगित किया था ना कि यहाँ पे बिल्कुल धरने को कैंसिल नहीं किया था हम फिर से ये जानना चाहते हैं कि जो शुभ्रा जी जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे तोहपे फेंकी थी मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके वादे कहाँ गए जो हमें इतना क्यों उन लोगों ने मजबूर कर दिया है कि हमारे मुँह से अप शब्द उनके लिए निकले भजन लाल जी सरकार की बदौलत हमें यहाँ धरना वापस देना पड़ा है क्योंकि वो सिर्फ हमें झूठे आश्वासन देती आई है स्टार्टिंग से पहले उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आप लेकर आओ हम जो भर्तियां हैं इन्हें पूरा कर देंगे बट उन्होंने जो आश्वासन था वो सिर्फ झूठा दिया कुछ नहीं हुआ हमने तेईस दिन धरना दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ उन्होंने कहा कि सात दिन का टाइम दो हमें हमने सात दिन की जगह उन्हें दस दिन दिए पर फिर भी क्या हुआ कुछ नहीं हुआ वो सिर्फ गोलियां दे जा रही हैं ताकि आचार संहिता में हमारी भटकियाँ भर्तियाँ जो हैं लटक जाए क्यों जब ये आ, सरकार बनी थी सरकार बनते टाइम चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह जी उन्होंने टाइम नहीं लगाया वो जो हमारी भर्तियों के लिए कह रहे हैं नहीं उन्होंने हमारी भर्तियों के लिए कहा है कि भाई छः सात महीने और लगेंगे क्यों कुर्सी जब चिकित्सा मंत्री की कुर्सी पे बैठते टाइम तो उन्होंने एक टाइम भी नहीं लगाया उन्होंने नहीं सोचा कि मुझे पाँच छः महीने लगेंगे या भजन जी सरकार ने शपथ लेते टाइम तो बिल्कुल नहीं कहा कि भाई मुझे शपथ लेने में थोड़ा टाइम लगेगा क्यों तो हमारी भर्तियों को जांच करना में या नियुक्ति जारी सूची करने में क्यों टाइम लग रहा है जबकि हमारा बिल्कुल हम सही है